हाँ बेटा, अब एसिड हैलाइड्स में एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तीसरा, देख लेते हैं बच्चों इसको। सबको मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो, यस सर। चलो बेटा। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कहलाता है। सर, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मतलब उसमें कार्बन को ऐसे डंडी लाइन बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए गौर करें, ये जो पहला ये जो कार्बन है, मैं पहला नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ कार्बन है। अपन तो अभी मेन चेन सेलेक्शन और नंबरिंग करेंगे। इसमें सी डबल ओ है और बी आर है। ये जुड़ा एक और कार्बन से, उसके यहाँ पे एक सी एच थ्री है। ये जुड़ा एक और कार्बन से, उसके नीचे भी सी एच थ्री है। ये एक जुड़ा एक और कार्बन से। हाइड्रोजन आप लगा दोगे तो आपको दिखने लगेगा, बाकी टेट्रावेलेंसी सोचते हो। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि आपको सवाल बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के टर्म में दिया गया है, पर ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब सबसे पहले बात आती है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में वो कार्बन आना ही चाहिए जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, वो कार्बन ये रहा, जिससे कि फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ एक्स, एक्स की जगह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ये एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो फंक्शनल के बाद मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए मैं एक छोर पे तो हूँ तो गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। कहाँ जाऊँ, नीचे जाऊँ कि सीधे जाऊँ? सीधे जाऊँ क्योंकि सीधे ज़्यादा कार्बन है। कहाँ जाऊँ, सीधे जाऊँ कि नीचे जाऊँ? कहीं भी चले जाओ सर, बात एक ही है क्योंकि कार्बन की संख्या बराबर है और कोई डिफरेंस भी नहीं है। तो सर ये तो मन मर्जी है, तो मन मर्जी में लेट से मैं सीधे चला गया। एक छोर से दूसरे छोर के बाद रिट्रेस करते हैं तो ये मेन चेन सेलेक्ट हो गई। फिर बात आती है नंबरिंग की। मिनिमम नंबर दिया जाता है फंक्शनल रूप, तो वन यही हो गया, तो ये हो गया 2 3 4, ब्रांच को मार दिया गोला। अच्छा, ये जो बी आर है ये ब्रांच नहीं है, क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी में जब भी कार्बन में हेलोजन जुड़ा और उसी कार्बन में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी जुड़ा हो तो ये हेलोजन नहीं, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एसिड हैलाइड। इसमें जो सफिक्स होता है, यानी कि कॉलम 5 में जो सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करना है वो यूज होता है ऑयल हैलाइड। क्या यूज होता है? ओ वाई एल, ऑयल हैलाइड। अब फिलहाल हेलोजन में ब्रोमीन है तो इसको बोल दूंगा मैं ऑयल ब्रोमाइड। हेलो, मतलब सर ये सफिक्स किसके लिए है? कार्बन के लिए नहीं है, भले फंक्शनल रूप में कार्बन खुद है, लेकिन इन जनरल हम वो वाला सफिक्स बोलते हैं जिसमें कार्बन मेन चेन में आ जाता है। तो ये सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड। ये हो गया कॉलम नंबर 5। अब बाकी कॉलम का शायद जवाब देना ज़्यादा आसान होगा। कैसे? कॉलम 1 में ब्रांच का नाम, 2 और 3 पे ब्रांच है, दोनों ब्रांच मिथाइल की है तो लिखेंगे 2.3 डाई मिथाइल। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3 हो जाएगा ब्यूट क्योंकि मेन चेन 4 कार्बन की है, मेन चेन सैचुरेटेड है, इसलिए कॉलम 4 हो जाएगा एन, और 1 पे आ जाएगा ऑयल ब्रोमाइड। नाम समझ में आता है सबको? चलो, किसी को तकलीफ यहाँ तक नहीं है। इसके बाद क्या बताना है बेटा? बेटा ये तो आपने लास्ट क्लास में पूछा था, ये अब आप गलत कर रहे हो, आप नोट्स नहीं पढ़ रहे, इसका अर्थ ये है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। कभी भी मेन चेन से डायरेक्टली अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो कार्बन के साथ का सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल आयोडाइड केवल डबल बॉन्डेड ओ और आई का नाम है। कार्बन के साथ का सफिक्स का नोट डाल के मैं अदर सफिक्स लिखवाया भी हूँ, तो अदर सफिक्स क्या हो गया बेटा? ये तो लास्ट क्लास में भी शायद आपने 2 या 3 पूछे थे, जिसमें ने नोट 1 में हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बाद में उसका दूसरा सफिक्स बताता हूँ जो हमेशा यूज़ नहीं करना है, केवल जब मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो यूज़ करना है। और नोट 2 में इसी का प्रिफिक्स है। प्रिफिक्स मतलब जब इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो इस सी डबल ओ आई या सी डबल ओ एक्स ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। ये देखो उस ब्रांच का प्रिफिक्स लिखा होगा हेलो कार्बोनाइल। हेलो में फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। हेलो, और बोलो बच्चों। ये देखो जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मैंने ब्रांच मान लिया। ब्रांच का नाम, फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट कार्बन रखेंगे, ब्रांच 2 3 3 पे लोकेशन आई तो 3 ब्रोमो कार्बोनाइल,
कॉलम वन ख़त्म, कॉलम टू हो गया साइक्लो क्योंकि मेन चेन साइक्लिक है, कॉलम फाइव हो गया पेंट, कॉलम थ्री हो गया पेंट, कॉलम फोर हो गया एन क्योंकि मेन चेन सैचुरेटेड है, और वन पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे भी मैंने कौन सा सफिक्स यूज़ किया है, कार्बन के साथ वाला, मैं ओइक एसिड नहीं कह रहा, कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा हूँ। दिक्कत बोलो भैया, हो गया कोई? चलो वेरी गुड, पढ़ के आए हैं बच्चे, मतलब पेज नंबर 14, रुक जा बेटा, पहुंच गया 14th में मैं। हाँ क्या पूछना बेटा इसमें? सर नोट टू इसमें पेज 14 लेफ्ट साइड में। हाँ बेटा नोट टू, फिर वही बात आ गई बेटा, नोट वन हमेशा ये नहीं है, पेज 14 शायद। बेटा ये 14 ही दिख रहा है मुझे, आप वो बता दो ना फंक्शनल ग्रुप क्या है उसके बाद। इसके एक पेज पहले सर, पेज 13 पेज 13 ये एल्डिहाइड, यहाँ क्या बताना है एल्डिहाइड के बारे में कि नोट वन की नोट टू? नोट टू, फिर वही बात आ गई बेटा, यहाँ पे छठवां फंक्शनल ग्रुप जो हमने पढ़ा वो छठवां फंक्शनल ग्रुप क्या है, नाइट्राइल्स। क्या है नाइट्राइल्स? दिखता कैसा है, कार्बन की चेन पे सी ट्रिपल बॉन्डेड एन, ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद में कार्बन है। हेलो, इन जनरल इसके कार्बन को मेन चेन में लिया जाएगा, जब इसको मेन चेन में लोगे तो आपको सफिक्स केवल किसका पता होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्डेड एन का, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था वो तो मेन चेन में आ गया। ट्रिपल बॉन्डेड एन का सफिक्स क्या होता है बच्चों? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अरे सामने गोला भी लगाया हूं भाई। ट्रिपल बॉन्डेड एन का सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल्स। नोट्स नहीं पढ़े हैं इसका अर्थ है आपने, तो ट्रिपल बॉन्डेड एन का सफिक्स होता है नाइट्राइल्स। ये तो बेटा सफिक्स है ना, ये तो याद ही होना पड़ेगा ना, मतलब कॉलम नंबर 5 में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखोगे नाइट्राइल्स। हेलो, अब दोबारा वही बात आ जाएगी, ऐसे ये वाले को ये एग्जांपल्स देखे हैं? चलो फिर इसका भी नोट वन क्या होगा, जब मेन चेन रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो सर उसके कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पाएंगे, तो इसका ऐसे केस में हर फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन होता है उसका एक और सफिक्स एग्जिस्ट करता है, और उसका एक और सफिक्स क्या कहलाता है, कार्बन के साथ सी ट्रिपल बॉन्डेड एन कहलाता है साइनाइड। कोई दिक्कत? अब अगर इससे सीनियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो पूरे के पूरे सी ट्रिपल बॉन्ड एन को ब्रांच माना जाएगा, और ब्रांच के केस में उसका प्रीफिक्स लगेगा, कॉलम वन में उसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो। तो बच्चों ये नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे ना भाई, और शायद इसीलिए इनका नाम। अच्छा सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सीनियर कौन जूनियर, तो मैंने लिखवाया ही उसी ऑर्डर में है, जो सीनियर है वो पहले लिखा है, और फिर भी सारे फंक्शनल ग्रुप ख़त्म करने के बाद समराइज कराने के लिए मैंने एक टेबल भी लिखवाई है। कहाँ है वो टेबल? ये रही, इसमें देखो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है एसिड, वहाँ पर उसका सफिक्स भी लिखा है और अदर सफिक्स भी लिखा है, फिर है अनहाइड्राइड, फिर है एस्टर, सफिक्स भी लिखा है, अदर सफिक्स भी लिखा है, प्रीफिक्स भी लिखा है, एसिड हैलाइड सफिक्स भी लिखा है, अदर सफिक्स भी लिखा है, और अदर सफिक्स में मैं जनरली फोटो भी बना रहा हूँ। देखो गौर करो ये समरी में, कि अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मेन चेन में लिया तो सफिक्स क्या है, और उसको नहीं लिया, सिर्फ आर को लिया, कार्बन को मेन चेन में नहीं लिया, तो इसका सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलेट। ऐसे सबके केस में मैंने समराइज भी कराया हुआ। बोलना पड़ेगा बच्चों, yes, sir. Yes, sir. नए बच्चों खास तौर पे एक चीज में फंस रहे हो, पूछ ले बेटा। किसका बेटा? कीटोन में सफिक्स क्यों नहीं है बेटा? कीटोन में सफिक्स है ना ओन भाई, कीटोन में ये पूरी चेन तो मेन चेन में आ गई, आप फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्डेड ओ है केवल डबल बॉन्डेड ओ, बाकी सब में हम लोग ने सफिक्स और प्रीफिक्स का नोट वन नोट टू लिया
नहीं बेटा हाँ, फिर गलत बात। नोट वन हमने सफिक्स के लिए नहीं किया, अदर सफिक्स के लिए किया है। हेलो, अच्छा फिर गलत बात बेटा। जो भी इसके पहले के जो फंक्शनल ग्रुप्स थे उसमें कार्बन कोने में आते हैं, वो ऊपर के जो भी फंक्शनल ग्रुप्स देख लो जिसमें खुद में कार्बन है, मेन चेन वहीं से शुरू होगी तो उनके कार्बन फर्स्ट कार्बन होंगे हमेशा। हेलो, कीटोन का कार्बन कभी भी पहला कार्बन हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कीटोन तुम कहलाओगे ही तब जब तुम्हारे इधर भी कार्बन की चेन हो और इधर भी कार्बन की चेन है। ऐसी सूरत में हमेशा आप इस कार्बन को तो मेन चेन में लोगे ही लोगे भाई। साइक्लिक केस में भी अगर तुमने कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लगाया तो भी तुमको तकलीफ थोड़ी है, तुम इस कार्बन को मेन चेन में ले लो ना, और ये पहला कार्बन हो तो गया। तो कीटोन के केस में ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी कि उसके कार्बन को मेन चेन में ना लेना पड़े। हेलो, तो कीटोन के केस में केवल सफिक्स इस ओ का है और उसका कार्बन कभी ये पंचायत में आता ही नहीं, क्योंकि वो कभी पहला कार्बन बनता ही नहीं, वो तो बीच का ही रहता है। बल्कि साइक्लिक के केस में वो देख लो अभी फर्स्ट हो गया, वरना स्ट्रेट चेन में तो कभी फर्स्ट हो भी नहीं पाएगा। यस चलो और बोलो। पेज कौन सा बेटा? फाइव। पेज क्रमांक 5 में आए। चलो कम से कम 2 दिन की छुट्टियों में कुछ पढ़े हो। हाँ, एग्जाम्पल 10 ये वाला। चलो बेटा, मैं सबसे पहले एक सवाल को खुद बना देता हूँ। देखो बेटा, पहला कार्बन, फिर डबल बॉन्डेड एक कार्बन, उस एक कार्बन से इथाइल की ब्रांच, फिर कार्बन, उस कार्बन से भी इथाइल की ब्रांच, फिर कार्बन, उसके ऊपर मिथाइल की ब्रांच, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। इतना ही है ना बच्चों? चेक कर लो। यस सर। चलो बेटा गाना गाओ। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन नियम का गाना बोलो। फंक्शनल ग्रुप, नहीं है फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, ये रहा। गाड़ी एक छोर से चल गई, यस सर, अब आगे के लिए क्या करूं? आगे नियम बोलो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये छोर तो कहीं नहीं जा सकता, ये छोर का अपास ऑप्शन है। नीचे जाऊं कि सीधे जाऊं? सीधे। नीचे जाऊं कि सीधे जाऊं? सीधे ऊपर जाऊं कि सीधे जाऊं? सीधे नीचे जाऊं कि ऊपर सीधे जाऊं? नीचे। आप समझ रहे हो, मैं हर चौराहे पे रुक के पूछ रहा हूं आपको। यस सर। और जब भी आप ये काम करोगे, आप मेन चेन सेलेक्ट कर लोगे, मेन चेन सिलेक्शन के बाद एक छोर से दूसरे छोर जाने के बाद रिट्रेस योर पाथ, ब्रांच को मारो। नंबरिंग, मिनिमम नंबर किसको देना है? उसके बाद मतलब मैं दूसरी नंबरिंग कर ही नहीं रहा, मैं सीधा यहीं से नंबरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इस छोर से करता तो फंक्शन को लास्ट मिलता, तो मैं क्यों मेहनत करूँ? अब तो शायद इतना कॉमन सेंस आपके पास आ गया है। 4 5 6 7। डाउट पूछने वाली दीदी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। बस अब बात खत्म होगी बेटा। कॉलम 1 दो इथाइल की ब्रांच है, दो मिथाइल की ब्रांच है। पहले ई लिखोगे कि एम लिखोगे? इथाइल कहाँ कहाँ पे है? 2 पे और 3 पे। तो 2,3 डाई इथाइल। हेलो, इसका डाई है क्योंकि दो हैं, लेकिन डाई को नॉमेनक्लेचर में नहीं गिनना, मतलब ये नहीं गिनना कि इसका नाम डी से चालू हो रहा है। क्लास में अगर दो अभिषेक हैं, मास्टर बोला पहली बेंच और छठवीं बेंच में बैठे दोनों अभिषेक इधर आओ, तो इसका मतलब ये नहीं उनका नाम अब डी से चालू हो गया, वो तो केवल फॉर द ईज ऑफ प्रोनंसिएशन ऐसा किया जाता है। हेलो, तो 2,3 डाई इथाइल, अभी भी कॉलम 1 खत्म नहीं हुआ। 4,5 डाई मिथाइल, यहाँ पे दिख रहा है सबको? कॉलम 1 खत्म। कॉलम 2 डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि मेन चेन साइक्लिक नहीं है। कॉलम 3
बोलो। कॉलम 3 हेप्ट। क्यों? क्योंकि मेन चेन कितने कार्बन की है? सात कार्बन की। कॉलम 4 क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन में है और 1 2 के बीच में है, और 1 2 में छोटा 1 होता है तो 1 ईन। कॉलम 5 Does not exist. क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। खत्म होगी बात। दीदी डाउट पूछने वाली दीदी, दिक्कत बोलो। No, sir, clear. ठीक है बेटा, चलो अच्छा है, कम से कम प्रयास कर रहे हो दिख रहा है। लेकिन पांचवें पन्ने में डाउट पूछा है, मतलब आपने अभी भी नोट्स पूरे नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, प्रयास करो बच्चों। पर ये गलत बात है बेटा, 2 दिन छुट्टी हो गई थी, ये मत करो बेटा, प्लीज ये मत करो।